हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। तो मैंने जब इसकी प्लांट को कैसे लगाना होता है, इसकी जो सीडलिंग होती है उसको कैसे ग्रो करना होता है, उसकी वीडियोस बनाई थी, उसके ऊपर टॉपिक पे बात किया था आपसे। तो काफ़ी सारे लोगों की जो है मेरे पास क्वेरी आई थी कि आप मुझे इसकी जो फ्लोरिंग है वो कैसे बूस्ट करते हैं उसको बताइए, क्योंकि अब ये विंटर का जो है बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है जो फ्लोरिंग करता है पूरे विंटर में, और इसको जो है इसकी फ्लोरिंग काफ़ी जगह पे ऐसी प्रॉब्लम जाती है काफ़ी सारे बिगनर गार्डनरों के साथ कि वो जो है इनकी फ्लोरिंग को प्रॉपर नहीं पा पाते हैं या उनके प्लांट्स में कुछ कमी रह जाती है न्यूट्रिएंट्स की, जिस कारण से जो है उसमें फ्लोर नहीं बन पाता है। तो आइए इस वीडियोस में हम यही जानेंगे कि अगर आपने इस प्लांट को लगाया है तो आप इसकी फ्लोरिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी उस वाली वीडियोस पर कि जब आप इसकी सीडलिंग करेंगे तो नवंबर अक्टूबर से भी आप इसकी सीडलिंग आराम से कर सकते थे, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस टाइम तक फ्लोरिंग में आ जाता है। तो अब देखिए नवंबर स्टार्ट होने वाला है और जो मेरे यहाँ पे है इसकी जो फ्लोरिंग है, अभी सीज़न ठंडियों का स्टार्ट नहीं हुआ, हल्की फुल्की ठंड पड़ने लगी है, बट देखिए अभी से जो है इसमें फ्लोरिंग कितनी अच्छी तरीके से आने लग गई है। पर अब ये हुआ कैसे है, तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पहले से इसको रेडी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अच्छी फ्लोरिंग कैसे मिले। तो देखिए आप जो यहाँ पास देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने जो इसके सॉयल मिक्सचर को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी किया था, क्योंकि ये जो है काफ़ी हैवली फ्लोरिंग करता है और इसमें जो है फ्लोर इसके काफ़ी जल्दी स्पेंड नहीं होते हैं, तो उसमें लगातार जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो इसलिए हम बहुत ही अच्छी जो है रिच सॉइल तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने देखी दोस्तों ये जो है इसको सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी भुरभुरी जो होती है ना वेल ड्रेन सॉइल, जो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैंने उसमें ये बनाई है कि मैंने इसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ किया था, इसमें जो है 20% के करीब मैंने सैंड यूज़ किया था और 30% अच्छी मैंने दोस्तों काउडंग कंपोस्ट, उसमें थोड़ा सा जो है वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स करके इसमें लगाया था इसको प्लांट को। तो देखिए अभी जो है ये छोटे से बेबी प्लांट भी, अभी मैंने कुछ दिन पहले इनकी सीडलिंग की और देखिए इनका रिजल्ट, ये अभी थोड़े से में ही कितने अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग पे आ गए हैं। और वही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जो छोटे छोटे से अभी जो है प्लांट्स निकल रहे हैं उसमें देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना सबसे छोटा प्लांट है, अब देखिए इसमें भी फ्लोरिंग स्टार्ट होगी। तो अभी मैं इसकी जो है फ्लोरिंग को निकाल दूंगा, यहाँ से पिंचिंग कर दूंगा ताकि जो प्लांट में अभी ज़्यादा पावर ना लगे, अच्छी तरीके से ग्रो करे। तो उस टाइम अगर आपके यहाँ भी दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो आप जो इसकी थोड़ा पिंचिंग करना स्टार्ट कीजिए। पिंचिंग से होगा क्या कि और ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, आप यहाँ से पिंच करेंगे तो दो और न्यू शूट्स निकलेंगे तो फिर वो और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, तो भर के एकदम गुच्छों में दोस्तों आपके पास जैसे बंच बोलते हैं अपन लोग उसमें फ्लोरिंग आएगी, तो काफ़ी देखने में दोस्तों ब्यूटीफुल लगेगी। तो अब बात आ जाती है कि हमने जो है जैसा आपने बताया था वैसा सॉइल मिक्सचर भी रेडी कर लिया है, उसके बावजूद जो है फ्लोरिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। तो देखिए जो आपने उसमें कंपोस्ट यूज़ किया था दोस्तों, वो सिर्फ अच्छी ग्रोथ और अच्छी उनकी रूट डेवलपमेंट करने के लिए और अच्छे तरीके से लीव प्रोड्यूस करने के लिए ही बहुत ही अच्छी होते हैं, बट आगे की प्रोसेस का क्या, जो फ्लोरिंग आना है वो कैसे आएंगी, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप ऑर्गेनिकली जाना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग हैं उनको केमिकल यूज़ करना पसंद नहीं होता है अपने प्लांट्स पर, या फिर कहें कि उनको जो है इजीली नहीं मिल पाता है उनके मार्केट पे, तो देखिए उसके लिए मैं आपको ऑर्गेनिकली बता देता हूँ कि क्या आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बेस्ट फ्लोरिंग करने के लिए दोस्तों, एक मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिकली बनाना, काफ़ी सार आपको वीडियो में काफ़ी सारी वीडियोज़ में उसको एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र आपके घर पर ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है बनाना जो इटेबल आप खाते हो उसके बाद जो उसके जो छिलके बच जाते हैं आप उसको फेंके नहीं, क्योंकि जो किचन वेस्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रहता है, भरा हुआ रहता है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप उसको फेंके नहीं, जैसे जो आप सब्जियों का पानी वगैरह यूज़ करते हो, सब्जियों को धो के जो पानी वगैरह निकलता है, या तो आप उन्हें ड्राई करके कंपोस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ क्या रहती हैं फ्लोरिंग में आपकी मदद करती है, अच्छी प्लांट्स में फ्लोरिंग आने में वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो अगर आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो सबसे ईजी है, नहीं तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र को बनाइए। बनाना पील फर्टिलाइज़र के लिए मैंने आपको बताया इजिली आपको 4 से 5 जो है उनके छिलके ले लेना है बनाना के, और उसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है और उसको जो है पानी में कुछ दिन के लिए छोड़ देना है। मैं तो कहूँगा आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप 48 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आप उसको फर्मेंट होने दीजिए, जब वो आपको उसमें कलर चेंज सा लगने लगेगा, थोड़ा सा ब्राउनिश या येलो आपको दिखने लगेगा, तो आप उसमें क्या
कीजिएगा। सबसे मेन बात ये आप उसको ना बीच बीच में ऐसे लकड़ी की हेल्प से इसको ऐसे घुमाते रहिएगा ताकि वो एक जगह पे बैठे ना। और जब वो रेडी हो जाएगा दोस्तों तो आप उसको क्या है कि एक अपने प्लांट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा पानी में डायल्यूट करके फिर प्लांट में दीजिएगा। तो आप खुद ही दोस्तों जो है चौंक जाएंगे उसके रिजल्ट से कि कितना बेस्ट उसका जो है रिजल्ट आता है देखने के लिए कि उसमें फ्लोरिंग कितने बढ़ जाती है। क्योंकि सबसे मेन क्या होता है कि जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है उसमें पोटास की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो पोटास होता है दोस्तों वो तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप उसका यूज़ कर लेंगे तो आपको 4 से 5 दिन में ही दोस्तों बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों, ये तो हो गई पोटास की। काफ़ी सारे प्लांट्स में क्या होता है कि काफ़ी प्लांट मैच्योर नहीं हो पाते, वीक रह जाते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सारी ब्रांचेस से ही फ्लॉरिंग हो रही है, तो ऐसा पानी के लिए दोस्तों क्या होता है कि समटाइम्स न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। सॉइल जो आपकी रहती है हो सकता है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो उसको कैसे आपको फुलफिल करना है अगर आप ऑर्गेनिकली में बात करें तो। ऑर्गेनिक वे में दोस्तों सबसे अच्छा सोर्स होता है मस्टर्ड केक का दोस्तों, यानी कि सरसों की खल, वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जहाँ पे ये एनिमल्स वगैरह के जो फूड आइटम्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, या तो आप कहीं और भी मार्केट पे आप जाके पता कर सकते हैं तो वहाँ मिल जाएगी। तो सेम प्रोसेस होती है जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र को फर्मेंट करते हैं, सेम अपन को वैसे ही करना है। आपको 50 से 100 ग्राम आपको 1 लीटर बाल्टी में उसको जो है डिसॉल्व कर देना है और उसको 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में आप उसको ऐसे घुमाते रहिएगा ताकि वो एक जगह बैठ ना जाए। जब वो रेडी होगा दोस्तों तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें स्मेल आए, और क्योंकि ऑर्गेनिकली है इसलिए लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो केमिकल की तरफ जाते हैं कि इंस्टेंट होते हैं, जल्दी से वर्क करते हैं। बट अगर आप ऑर्गेनिकली करेंगे तो आपकी जो है नरिश्ड रहेगी हमेशा, आपकी जो सॉइल वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, उसको भी सेम है, आप अगर आपने 1 लीटर पानी तैयार किया है तो उसमें 0.5 लीटर और पानी नॉर्मल ऐड करके फिर अपने प्लांटों में दे दीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब सेम मैं भी दोस्तों अपने प्लांट में यूज़ करता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बताता हूँ और यूज़ नहीं करता हूँ, नहीं दोस्तों, मैं अपने प्लांट्स में भी सेम ही प्रोसेस करता हूँ। और अभी मैंने जो है इसको हर 15 दिन के इंटरवल पे गैप में इसमें बनाना पील भी प्रोवाइड कराता हूँ, और इसमें साथ ही साथ जो है मस्टर्ड केक का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डालता रहता हूँ। तो देखिए आपके सामने ये रिज़ल्ट है, अभी तो विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, और देखिए दिवालियों के पहले ही कितनी अच्छी तरीके से दोस्तों इसमें फ्लॉरिंग आने लगी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया कि छोटे से भी मेरे पॉट में काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग आ रही है। और अगर मैं आप बात करूं दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र की, तो देखिए जो एक्सपीरियंस गार्डनर है या जो कुछ समय से प्लांटिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उनके पास दोस्तों इजीली मिल जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर जैसे आप 15 दिन के गैप में अपने फर्टिलाइज़ करते हैं सारे प्लांट्स को, जैसे NPK वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो बेस्ट रहता है NPK दोस्तों, क्योंकि NPK में जो होता है वो नाइट्रोजन भी मिल जाता है प्लांट को, फॉस्फोरस भी मिल जाती है और पोटास भी मिल जाती है। इसलिए मैं आपको जो है बैलेंस रेशियो यूज़ करना बताता हूँ हमेशा, 19-19-19 या 20-20-20, उसमें इक्वल अमाउंट में आपको तीनों मिल जाते हैं। तो आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए रिजल्ट मिलेगा, कलर भी काफ़ी अच्छे आएंगे आपके जो फ्लॉरिंग है उसमें, काफ़ी कलर अच्छे आएंगे। जो ऑर्गेनिकली मैं आपको बताया हूँ सेम उसमें भी यही होगा और इसमें भी होगा, बट जो NPK होता है दोस्तों वो नेचुरली जो है आप सिर्फ टी फर्टिलाइज़र से कर सकते हैं। मैंने टी फर्टिलाइज़र की वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है मार्केट से NPK परचेज करके अपने प्लांट्स पे डाल सकते हैं, पर काफ़ी सावधानी से डालिएगा क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है NPK, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे उसको थोड़ा क्वांटिटी पे यूज़ कीजिएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको उसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी कि कितने प्लांट में कैसे डाला जाता है, तो आप आगे भी अपने प्लांट की अच्छी तरीके से केयर कर पाएंगे और फर्टिलाइज़ कर पाएंगे। अब जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो NPK की तो बात कर लिए, पर इसमें और ज़्यादा फ्लोरिंग बूस्ट के लिए, वैसे NPK भी काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लोरिंग आपकी जो है प्रोड्यूस करवाएगा, बट अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें करिए क्या, थोड़ा पोटाश आता है मार्केट पे, पाउडर पोटाश आता है, तो आप उसको लेके डाल दीजिए, या फिर आपको नहीं मिल पाता है तो सीधे से आप DAP को डाल दीजिए। DAP जल्दी से डिसॉल्व नहीं होती है, तो ओवरनाइट आपको DAP को छोड़ना पड़ेगा, या तो आप उसके ग्रैनुल्स आते हैं तो पॉट के हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि 3 से 4 इंच का पॉट है, तो आप इसमें 4 दाने ही डालिए, तो उसके हिसाब से आप डालेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और आपकी जो फ्लोरिंग है इसी तरह अच्छी तरीके से आती रहेगी। और एक हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों,
जो जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है केमिकल या फिर ऑर्गेनिकली, तो आप उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें आप जो है छान कर, जो ऑर्गेनिकली बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कचरा मिल सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा है छान कर अपने स्प्रे बॉटल में भर कर ऊपर से फॉलिएशर के थ्रू स्प्रे कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट लीफ को मिलेगा ना ऊपर से, तो उसमें भी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों बस आज की वीडियोज़ में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कॉक्सकॉम को प्लांट्स में फ्लॉरिंग कैसे पर ज़्यादा पा सकते हैं ये वीडियोज़ इस टाइटल के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी एक नए प्लांट केयर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ इट सेल्फ एंड गुड बाय।